हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ भूपेंद्र पटेल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर सब्जेक्ट इन हिंदी। तो जैसे GTU ने डिसाइड किया है कि वो एग्ज़ाम लेंगे MCQ, और उन्हें जो फर्स्ट फेज के जो बेसिक सब्जेक्ट थे उसका टाइम टेबल भी रिलीज़ कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्ज़ाम एंड हाउ इट वुड बी हेल्पफुल टू इन योर फ्यूचर, राइट। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ है जो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन कि आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। बेसिकली जो बेनिफिट होता है वो ड्यूरिंग एजुकेशन एज वेल एज दी आफ्टर एजुकेशन होता है। जो MCQ एग्ज़ाम है, आपको पता होगा, अगर आपको जो सेकंड या थर्ड ईयर में है उनको शायद पता नहीं होगा कि ये कहाँ कहाँ पे ले जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप MCQ एग्ज़ाम देते हो तो यू हैव टू प्रिपेयर दी होल सब्जेक्ट इन द वेरी डेप्थ मैनर। मीन्स आपको पूरी बहुत कठिनाई से आपको याद रखना पड़ता है हर एक सेंटेंस जो भी इम्पोर्टेंट है हर एक थियरी में, राइट। मीन्स आपको जो भी सब्जेक्ट है वो डेप्थ में प्रिपेयर करना पड़ता है जब भी आप MCQ एग्ज़ाम देने जाते हो। तो उससे क्या होगा, जब भी आप डेप्थ में उसकी प्रिपरेशन करोगे तो आपको जो भी छोटा छोटा डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, एज वेल एज दी जो भी सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है उनके जो क्वेश्चन है वो भी आपके माइंड में याद रह जाएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट एडवांटेज। अब हम बात करेंगे सेकंड एडवांटेज की, जो है आपको हेल्पफुल होगा इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आफ्टर दी कम्प्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, राइट। जो भी हो, फार्मेसी हो, बी हो या कोई आर्किटेक्ट वाला हो, हर लोग अभी सोच रहे हैं कि हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपियर हो एंड हम उसको क्रैक करें। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अभी से प्रैक्टिस मिल रही है। मीन्स जो GTU ने इनिशिएटिव लिया है कि आपको MCQ एग्ज़ाम देना है और आप ये दो तीन साल ऐसे प्रैक्टिस करोगे सो आपको पता चल जाएगी एग्जैक्टली MCQ क्वेश्चन पूछते कैसे हैं और उसका आंसर कैसे निकल के आता है। जब भी आप कोई भी दूसरी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करोगे तो आपको इजीली आइडिया आ जाएगा कि कौन से पार्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो थर्ड थिंग है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है, अभी आप पूछोगे आपके सीनियर से तो कहीं बार कोई प्लेसमेंट आता है या कोई MNC कंपनी आती है आपको जॉब देने के लिए तो वो पहले रिटर्न एग्ज़ाम रखती है। रिटर्न एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव, वो लोग MCQ एग्ज़ाम रखते हैं, वो भी ऑनलाइन उनके सर्वर पे से आपको लॉगिन करके वहाँ पे दे देते हैं और आपको कुछ टाइम ड्यूरेशन में आपको जो भी क्वेश्चन है उसके आपको आंसर देने हैं। तो उससे क्या होगा कि आपने जो भी सब्जेक्ट के डेप्थ में पढ़ा होगा तो आपको उस सब्जेक्ट के जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो इजी से पता होगे उसके आंसर। तो अभी जो दिक्कत आ रही है वो जो फोर्थ ईयर में बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत आ रही है कि हाउ टू क्रैक दी प्लेसमेंट रिटर्न टेस्ट। तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, मीन्स बेसिक करोगे आप उसका जो भी सेकंड या थर्ड ईयर में है, तो आपको वहाँ पर बेनिफिट होगा आफ्टर दी कंप्लीशन ऑफ और योर 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर व्हेन यू आर अपियरिंग दी एनी जॉब इंटरव्यू और एनी प्लेसमेंट इंटरव्यू, राइट। तो ये सारे बहुत एडवांटेज है कि आप MCQ एग्ज़ाम दोगे। तो जो बेसिक एडवांटेज है वही है कि आपको डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा और उससे बेनिफिट होगा कि आपको जो भी सब्जेक्ट है उसकी पूरी नॉलेज मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।